हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आज आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि मॉर्निंग ग्लोरी के जो हम जो मैंने सीडलिंग करी है वो मैं किस तरह से ट्रांसप्लांट करूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुछ महीने भर पहले ये सीड्स डाले थे और सीड से ये मॉर्निंग ग्लोरी के कुछ पौधे निकल आए हैं। अब मैंने ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों ये देखिए, आप कोई भी एक पौधा जो भी आपको ट्रांसप्लांट करना है, जो भी हेल्दी हो उसे आप चूज़ कर लीजिए। आप या तो इस ये देखिए मैंने पानी दे रखा है, इसकी सॉइल मॉइस्ट है। मैं इसे ऐसे उखाड़ने की बजाय इसे इस तरह से अंदर की तरफ कुछ भी औजार जैसा कुछ भी आप जो भी आपके पास हो आप वो डाल के थोड़ा इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो इसकी रूट्स भी नहीं टूटेगी और ये इजीली ट्रांसप्लांट हो जाएगा और ये ज़्यादा शॉक वगैरह में भी नहीं आएगा और जल्दी से रिकवर कर लेगा अपने आप को। तो ये देखिए मैंने किस तरह से ये इजीली पौधे को निकाल लिया, रूट को भी डैमेज नहीं हुआ है। बस तो फ्रेंड्स, अब ये देखिए इसमें मैंने पौधा लगा हुआ था तो इसमें मेरी खाद वगैरह सब मिली हुई है। तो इसमें एक भाग खाद, एक भाग मिट्टी और एक भाग सैंड का आप ले लीजिए और बस देखिए इस तरह से इसमें एक हम थोड़ा सा गड्ढा बना लेंगे, ये देखिए, और इस पौधे को ऐसे बस हमें ये लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए। बस क्योंकि रूट को इसमें मैंने जिस तरह से निकाला तो डैमेज नहीं हुआ है तो ये जल्दी ही रिकवर कर लेगा। 2-3 दिन इसे बस छांव में रखेंगे, हम शेडी एरिया में रखें और उसके बाद फिर इसे हम धूप में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि चाहे जितने भी ज़्यादा धूप में चलने वाले पौधे क्यों ना हों, पर अगर आप लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है तो आप उसे थोड़ा पार्शियल सन में ही रखें तो भी वो अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और अच्छे से आप लोगों का प्लांट भी चलेगा। ज़्यादा धूप में रखने से क्या होता है ना कि पौधों की लीव्स डैमेज होने लगती है, ख़राब हो जाती है, ब्राउन होती है, जलने लगती है और पौधा और फूलों को नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम इस तरह से इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए मेरे तो पहले से मिट्टी गीली थी पर क्योंकि मैंने ट्रांसप्लांट किया तो बस थोड़ा पानी डाला। तो दोस्तों, बस इस तरह से आप लोगों को पौधे को ट्रांसप्लांट करना है और बस 2-3 दिन शेड में रखिए तो आपका पौधा प्रिपेयर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत में मिल सके। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय फ्रेंड्स।